नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा और आप सभी का हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोविड 19 एंड वैक्सीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले एक साल से कोविड की महामारी से जूझ रहे हैं और इस समय वैक्सीन से एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इस महामारी से बच सकते हैं। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वैक्सीन की प्रोडक्शन की जाती है और कैसे ये वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल बीट्स को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें अगर वैक्सीन्स की, वैक्सीन्स एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जिसमें कि डिजीज कॉजिंग पैथोजन, जैसे कि इस केस में कोरोना वायरस, आपकी बॉडी में किल्ड फॉर्म में या वीकेंड फॉर्म में इंसर्ट किया जाएगा, जिसके अगेंस्ट जैसे ही वो वायरस किल्ड फॉर्म में आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी के पास एक क्षमता है कि वो उस समय एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती है। वो एंटीबॉडीज इमीडिएटली उस स्ट्रक्चर को, वायरस के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करेंगी, उसको न्यूट्रलाइज करेंगी और फ्यूचर में वैसे ही किसी स्ट्रक्चर को मेमोराइज कर लेंगी, ताकि अगर वो वायरस लाइव फॉर्म में फ्यूचर में आपकी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है या किसी वजह से वो आपकी बॉडी में चला जाता है, तो वो वायरस आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है उसके अगेंस्ट प्रोडक्शन उनकी हो चुकी है। तो इस तरीके से वैक्सीन्स आपकी बॉडी में काम करती हैं। तो बात करें अगर इस वायरस के स्ट्रक्चर की, तो इसके वायरस के स्ट्रक्चर में एक बहुत ही अच्छी इसकी एक पॉजिटिव जो चीज़ इसके पास है वो है स्पाइक प्रोटीन। वो स्पाइक प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे होस्ट सेल को इमीडिएटली क्या करते हैं, पकड़ते हैं, उनके रिसेप्टर्स को जाके बाइंड करते हैं उनके साथ, ताकि हमारे होस्ट सेल के फंक्शन को वो डिस्ट्रॉय कर सकें। तभी जो हमारी बॉडी में ये वैक्सीन्स हैं, ये क्या करेंगी, हमारी बॉडी को एक तरह से इनिशिएट करेंगी, इंड्यूस करेंगी, ताकि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। और एंटीबॉडीज क्या करेंगी, एक तरह से उन स्पाइक प्रोटीन्स को, जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स हैं, उनको जाके वहाँ पे ब्लॉक करेंगी। वो स्पाइक प्रोटीन्स किसी काम के नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से वायरस अपना रेप्लिकेशन, अपनी प्रोडक्शन वहाँ पे हमारी बॉडी में नहीं कर पाएगा, और इसी तरह से हमारी बॉडी को इस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिलती है। अगर बात करें डिफरेंट कैटेगरी की वैक्सीन्स की, तो बहुत सारी वैक्सीन्स की टाइप्स हैं, जैसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसे मैंने बात किया, टॉक्साइड वैक्सीन्स हो गई, एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं, और सब यूनिट एंड न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स हैं। सो इन सब वैक्सीन्स के अपने अपने फंक्शंस हैं और उनका सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है हमारी बॉडी में, दैट इज़ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाना और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करना। तो बात करें अगर वायरल वेक्टर वैक्सीन की दोस्तों, तो इसमें एक चिंपैंजी वायरस जो है, जो हमारी बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं करता, उसको हम एज ए वेक्टर लेते हुए हम कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल जो कि mRNA है उसको इंसर्ट किया जाता है उसमें, और जिसकी वजह से वो वायरस जब उस वेक्टर के द्वारा हमारी बॉडी में इंसर्ट उसका जेनेटिक मटेरियल किया जाएगा, हमारी बॉडी में इमीडिएटली वहाँ से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी। और वो जो जीन हमारी बॉडी में mRNA का डाला जाता है उस वायरस का, वो स्पाइक प्रोटीन का जीन है जिसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी चाहिए। तो हमारी बॉडी में इमीडिएटली बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जो कि स्पाइक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करती हैं और उसके न्यूट्रलाइज करेंगी। इसी तरह से mRNA वैक्सीन का भी सिमिलर वैसा ही फंक्शन है, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल को, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा और वो जेनेटिक मटेरियल में स्पाइक प्रोटीन को ही टारगेट किया जाता है, ताकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो सके। तो बात करें अगर डिफरेंट वैक्सीन्स की, तो आपको जैसे मालूम होगा कि जैसे अभी हमारे भारत में कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनिका UK द्वारा बनाई गई थी, जो हमारे भारत में कोविशील्ड के नाम से अभी उसकी डोजेस दिए जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ कोवैक्सीन जो है वो भी वैक्सीन जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है, हमारे भारत के द्वारा ही वो प्रोड्यूस की गई है। तो अगर बात करें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, ये दोनों वैक्सीन में इतना ही अंतर है, कोविशील्ड जो है एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, और जो कोवैक्सीन है इसमें हमने उस वायरस को, कोरोना वायरस को ही वीकेंड फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में इंसर्ट हमारी बॉडी में वो किया जाता है। तो अगर जेनेटिक कोड वैक्सीन की बात करें, उसमें फाइजर हो गया और मॉडर्न ने जो वैक्सीन हैं वो आती हैं। वायरल वेक्टर वैक्सीन की बात करें, इसमें एस्ट्राजेनिका जो कोविशील्ड से नाम से हमारे भारत में प्रचलित है, कैंसिनो हो गया और गैमिलिया एक वैक्सीन जो है, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं। सब यूनिट की वैक्सीन की बात करें, नोवावैक्स जो कि UNO द्वारा बनाई गई है अफ्रीकी देशों के लिए, और उसी के साथ साथ जैसे वीकेंड और इनएक्टिव वैक्सीन हैं, इसमें चाइना की साइनोवैक हो गई और हमारी जो कोवैक्सीन है वो शामिल है। तो दोस्तों, जैसे ही वैक्सीन की प्रोडक्शन होगी, उसके बाद हम डायरेक्टली
किसी भी इंसान को वैक्सीन नहीं लगा सकते, हमें सबसे पहले उसके लिए ट्रायल करना पड़ता है। कुछ जगहों पे हम एनिमल ट्रायल्स करते हैं और उसके बाद हम कुछ वॉलंटियर्स को लेंगे जो कि उस वैक्सीन को लेने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स की बात होती है। तो जैसे फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल होता है फेज़ वन, फेज़ टू और फेज़ थ्री और फेज़ फोर तक। फेज़ फोर आते आते जो जो ड्रग कंट्रोल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करेंगी, उसको ऑथराइज करेंगी और लाइसेंस करके उनको हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई अब आपकी वैक्सीन जो है सेफ है, दैट वैक्सीन कैन बी यूज्ड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो अगर भारत में बात करें तो कोविड वैक्सीन के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब यहाँ पे भारत में एस्ट्राजेनिका यूके के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई थी कोविशील्ड के नाम से, वो यहाँ पे अब हमारे भारतीयों को दी जा रही है। कोवैक्सीन एक भारत द्वारा ही डेवलप की गई वैक्सीन है। तो अगर कोविशील्ड की बात करें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे आप जानते हैं इसको बहुत तेज़ी से बना रहा है, आधार पूना वाला इसके CEO हैं और इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, जो कि भारत के एक टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ही सही है। तो अगर इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें तो 80% तक इसकी इफेक्टिवनेस है, तो मीन्स ये बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन भी है। तो अगर बात करें हम कोवैक्सीन की, जो कि भारत बायोटेक ने ICMR के और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर ये वैक्सीन को प्रोड्यूस किया है। सो इसमें इसके जो CEO हैं डॉक्टर कृष्णा एला, और इसका भी स्टोरेज टेम्परेचर जो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसकी इफेक्टिवनेस भी बताया जा रहा है 80 से 85% तक की इसकी इफेक्टिवनेस है। तो बात करें अगर दुनिया भर की वैक्सीन की बात करें तो अमेरिका द्वारा बनाई गई वैक्सीन जिसको फाइजर कहा जाता है, तो वो फाइज़र वैक्सीन जो है काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन है। USA में इसी वैक्सीन को लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज यही है भारत में ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसको हमारे भारत में इसको कोल्ड चेन स्टोरेज हमारे में अभी नहीं है, क्योंकि इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो -70 डिग्री सेल्सियस है। अगर भारत कोल्ड स्टोरेज जो चेन है उसको अगर डेवलप करे तो बिल्कुल ये फाइज़र की वैक्सीन हमारे भारत में भी लोगों को दी जा सकती है। बात करें जॉनसन एंड जॉनसन की, इन्होंने जैनसन नाम से एक वैक्सीन का प्रोडक्शन किया है, साइनोवैक जो कि चाइना की वैक्सीन है, और रशिया की स्पुतनिक 5, ये बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन पूरे दुनिया में मानी जा रही है, क्योंकि ये सबसे पहली वैक्सीन थी जो पूरे विश्व में रशिया ने सबसे पहले डेवलप की थी। और अभी रिसेंटली भारत ने भी इस वैक्सीन को उस रशिया से आयात करने का डिसीजन लिया है, और बहुत सारी प्रोडक्शन जो है स्पुतनिक 5 की डॉक्टर रेड्डीज लैब जो है इसको भारत में बनाएगी। बात करें नोवावैक्स की, तो नोवावैक्स जो है कि योना द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन है, जो कि अफ्रीकी देशों, जो गरीब देश हैं अफ्रीका के, उनको ये वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है। मॉडर्ने COVID-19 वैक्सीन जो है ये भी USA द्वारा डेवलप की गई एक वैक्सीन है। तो बात करें दोस्तों, अगर आप लोगों को एक दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हमें 2 डोजेज ही क्यों दी जाती हैं उसको वैक्सीन की, 4 क्यों नहीं और 5 क्यों नहीं, और 2 डोजेज ऐसा क्या है कि वो 2 डोजेज में ही हमें इतना इम्यूनिटी मिल जाता है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट डोज आपको दी जाती है उस डोज में आपकी बॉडी एक तरह से चार्ज अप होती है उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट, उस डिजीज कॉजिंग पैथोजन के अगेंस्ट, और एंटीबॉडीज बनाना बॉडी शुरू करती है। तो सेकेंड डोज इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिसको हम बूस्टर डोज भी कहते हैं, वो बूस्टर डोज आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को और ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज हो जाएंगी कि फ्यूचर में अगर वो वायरस, कोरोना वायरस जो है, अगर लाइफ फॉर्म में आपकी बॉडी में एंटर करता है, इमीडिएटली बॉडी के पास इतनी एंटीबॉडीज होंगी कि वो कोविड वायरस आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा जाएगा। एक और यहाँ पे बात आती है एलिमेंट्स ऑफ वैक्सीन कॉन्फिडेंस की। अगर बात करें वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस की और क्या वो वैक्सीन हमारे लिए सेफ़ है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिन लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन सेफ़ नहीं है, तो वो इस बात से बिल्कुल अपना दिमाग से ये चीज़ निकाल दें, क्योंकि वैक्सीन जो हैं, कोई भी वैक्सीन जो अगर वो लगा रहे हैं, चाहे वो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है या स्पुतनिक 5 है, हर एक वैक्सीन का अपना अपना इफेक्टिव रेट है और सभी वैक्सीन आपके लिए इफेक्टिव रहेंगी। तो इमीडिएटली वैक्सीन सेंटर्स पर जाइए और वैक्सीनेशन लगवाइए। तो एक कहावत है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो जहाँ पे अगर कोई अड़चन आती है, कोई अगर हमें प्रॉब्लम आती है, तो कोई ना कोई रास्ता बीच का निकल ही आता है। तो उसी को आगे लेते हुए रिसेंटली भारत ने जो है एक एंटी कोविड ड्रग भी डेवलप किया है। ये वैक्सीन नहीं है, ये एक ड्रग है। अगर जैसे मान लीजिए किसी को कोविड हो गया,
चाहे वो माइल्ड सिम्टम के साथ है चाहे वो सिवियर सिम्टम के साथ है। तो रिसेंटली DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने एक ड्रग डेवलप किया है जिसका नाम है 2-DDeoxyDglucose। ये सिंपल मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इस मॉलिक्यूल को बनाया गया है। और बहुत ही ये सिंपल मॉलिक्यूल है और इस ड्रग को हम ओरली ले सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो कि कोविड से ग्रस्त हैं, और इसका इफेक्टिव रेट भी काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। और माना ये जा रहा है कि ये जो ड्रग जो है आगे आने वाले टाइम में काफ़ी इफेक्टिव भी होगा, और इसको अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको मंजूरी दी है और काफ़ी ये कारगर सिद्ध होने वाला है। रिसेंटली बहुत सारी रिसर्च जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कोविड वायरस को लेकर हो रही हैं कि क्या ऐसा किया जाए। जैसे आपको पता है कि अभी बहुत सारे म्यूटेंट वायरस भी हमारे कंट्री में, जैसे अभी हम सेकेंड वेव को हम फेस कर रहे हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि अभी म्यूटेंट वायरस जो है वो अभी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम लोगों को इफेक्ट कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी आएगा, लेकिन अभी रिसर्च इसके बारे में इन वैक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में जो हो रहा था, तो अभी रिसेंटली DNA कंटेनिंग वैक्सीन भी उनकी प्रोडक्शन जो है वो की जा रही है। जैसे कि एक नया वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, जो कि फ्यूजन पेप्टाइड को टारगेट करता हुआ, फ्यूजन पेप्टाइड क्या हो गया, स्पाइक प्रोटीन जो वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर होता है उसी का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम फ्यूजन पेप्टाइड होते हैं। अगर ऐसी वैक्सीन बनाई जाएँ जो कि उस फ्यूजन पेप्टाइड को ही क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, तो वो मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारे जो म्यूटेंट वायरस भी हैं उनके पास जो है ये फ्यूजन पेप्टाइड रहेगा ही रहेगा। तो अगर फ्यूजन पेप्टाइड को ही ब्लॉक किए जाए तो ऐसी वैक्सीन भी डेवलप हो सकती हैं जो कि क्या कर सकें, मल्टीपल कोरोना वायरसेस को भी क्या कर सकती हैं ट्रीट, उससे हमें क्या मिल सकता है, हमें उससे निजात मिल सकता है। सो दोस्तों, रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक नया वैक्सीन का प्रोडक्शन किया है जो कि मल्टीपल कोरोना वायरसेस को टारगेट किया जा सकता है। इसमें कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर की अगर बात करें, उसमें जो स्पाइक प्रोटीन है उसके फ्यूजन पेप्टाइड एक कंपोनेंट होता है जिसको वो टारगेट करते हुए ये वैक्सीन बनाई जा रही हैं। और रिसेंटली इसके एनिमल ट्रायल्स बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके आए हैं, और होपफुली इन फ्यूचर आल्सो जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो काफ़ी जल्दी से इसके किए जाएंगे, ताकि मल्टीपल जो कोरोना वायरस हैं, ये म्यूटेंट वायरस जो है उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी मिल सके। सो ये जो वैक्सीन साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस की है, इट इज़ एट वेरी लो कॉस्ट, इट इज़ मोर नॉट लेस देन $1 पर डोज। तो माना यह जा रहा है कि वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव भी सिद्ध होगी फॉर द म्यूटेंट वायरसेस जो कि फ्यूचर में आने के चांसेस हैं। सो ये वैक्सीन जो है बेसिकली जैकनर और वजीना टेक लैब ने ये प्रोड्यूस की है, और होपफुली कोई कंपनी इसको इसके कॉपीराइट्स लेते हुए इसकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करेगी, ताकि हमें इस कोरोना की जो महामारी है इससे निजात मिल सके। दोस्तों, आज के इस लेक्चर पे हम इतना ही बात करेंगे, अगले किसी लेक्चर में हम दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। द बीट्स फॉर यू, नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले भारतीयों का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका मकसद भारत की एजुकेशन और साइंस की डेवलपमेंट की बढ़ोतरी में अपना योगदान करना है। भारत की तालीम और साइंस का कंपैरिजन होगा चीन और अमेरिका के साथ। बीट्स में आप देखेंगे टॉक शोज, पैनल डिस्कशंस, ट्यूटोरियल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज। Subscribe Beats YouTube channel, like Facebook page and Instagram. Visit its website, thebeatsforyou.com.